एक समाज सेवक, समाज संस्कारक, नारी शिक्षा प्रवर्तक श्री ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के जन्म स्थान में आज हम हैं। ये साल उनके जन्म के 200 साल पूरे हुए हैं, उसी तिथि को सामने रख के हम आज आए हैं उनके जन्म स्थान को दर्शन के लिए। चलिए अंदर जाते हैं और जन्म स्थान की दर्शन करते हैं। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर जिले में ये गांव है, वीर सिंह गांव, जहां पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म हुआ था। चलिए अंदर जाके देखते हैं। लाइफ सोर्स ऑफ बंगाल एंड इमेमोरेबल सोशल रिफॉर्मर एडुकेशनिस्ट एंड ग्रेट ह्यूमनिस्ट पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज बॉर्न एट दिस प्लेस ऑन ए ट्यूजडे आफ्टरनून ऑफ 26 सितंबर 1820। एक अंदर का 360 डिग्री व्यू भी हम आपको दिखा देते हैं, अंदर में क्या क्या है। ये एक्चुअली एक छोटा सा म्यूजियम है जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड किया है श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम। ये उनका जन्म स्थान है, 200 साल पहले उनका जन्म हुआ था यहीं पे ही। ये कुछ कंक्रीट के घर है जो पहले मिट्टी के बने हुए थे, अभी वो कंक्रीट के बने हुए हैं। ये विद्यासागर सिटी मंदिर, चलिए इसका अंदर जाके देखते हैं क्या है। एक छोटा सा म्यूजियम। ये सर्टिफिकेट है, संस्कृत कॉलेज में से जब विद्यासागर जी ने पास किया था तभी सभी प्रोफेसर्स ने उनको साइन करके ये सर्टिफिकेट उनको दिया था। और ये कुछ कॉपीज है विद्यासागर के, अपने हैंड राइटिंग है जो लेटर अपने उन्होंने लिखे थे, तो उनका ओन हैंड राइटिंग, अपने हाथ से लिखे हुए लेटर्स के कुछ कॉपी हैं इसमें। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़्यादातर उनके अपनी हैंड राइटिंग है। ये भी उनके लाइफ से रिलेटेड कुछ फ़ोटोज़ है, यहाँ पे वो रहा करते थे, लाइफ से रिलेटेड कुछ फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे रखा गया है। बाद में वो कलकत्ता शिफ्ट हो गए। आपको मैं एक विकिपीडिया का लिंक भी उसमें दे दूंगा, पूरा सब कुछ आप वहाँ से भी देख पाएंगे। अभी ये म्यूज़ियम के अंदर जो कुछ है वो ही आपको दिखा रहा हूँ। जितने भी उन्होंने अपने चिट्ठी वगैरह लिखे थे वही हैं इसमें, सारे फोटोकॉपीज करके रखे हुए, प्रिजर्व करके हुए। ये उनका शमशान घाट में ले जाने के टाइम फोटो, बीच में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, साइड में चारों तरफ उनके रिलेटिव्स। उस टाइम फोटो तो नहीं हुआ करते थे, तभी किसी ने मतलब शायद इसी तरह इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ था। ये सारे रिलेटिव्स हैं जो अभी कलकत्ते में हैं, उनके वंश धर वे कलकत्ते में एस्टैब्लिश्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड। ये है उनके नाम पे झारखंड में बनाया गया रेल स्टेशन, और ये झारखंड का उनका घर। झारखंड में भी वो कुछ टाइम स्पेंड किए थे, वहाँ पे भी वो आदिवासियों को शिक्षा प्रदान करते थे। और ये उनके कुछ फर्नीचर्स है, फोटोज़, फर्नीचर्स के फोटो जो खुद यूज़ करते थे। अभी राइट साइड में ये उनके नाम पे इशू किया गया डाक टिकट, और ये बस टिकट जयासागर विद्यासागर लिखा हुआ, और ये उनके माता और पिताजी का फोटोज। और ये जो प्लेस है ये उनका बर्थ प्लेस है, वैसे पूरा एरिया तो उनका बर्थ प्लेस है ये पूरा एरिया, लेकिन इसी प्लेस पे उनका जन्म हुआ था। ये पहले कंक्रीट का था, बाद में इसको मार्बल से फर्निश किया गया है। आपको याद होगा बर्ड साहेब का घटना, जो हमारे स्वदेशी आंदोलन कारी स्वाधीनता संग्रामी ये जो थे उनके हाथों हत्या किया गया था। वो बाट साहेब अपने फैमिली के साथ यहाँ घूमने आए थे, तभी इस एरिया को डिस्कवर किया, इस जगह को डिस्कवर किया था उन्होंने ही। बाद में 1964
1940 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में इस जगह का रिनोवेट किया और ये विद्यासागर स्मृति मंदिर का स्थापन किया, जो अंग्रेजों के अमल में ही स्थापित हो गया था। पहले ये कंक्रीट का था, अभी इसको मार्बल से रिनोवेट कर दिया गया है। चलिए अंदर जाते हैं और एक दूसरे घर में। ये कुछ घटनाएं हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं, जो मॉडल्स के द्वारा दिखाया गया है। वो पहले देखिए, रात को पराते थे, जो हमारे बुजुर्ग जो थे उनको भी पराते थे आज से 150 साल पहले। अभी हम वही स्कूल अडॉप्ट कर रहे हैं मॉडर्न टाइम में, लेकिन वो 150 साल पहले ही बुजुर्गों के लिए शिक्षा का इंतज़ाम किए थे। ये कुछ घटनाएं हैं। हिंदू कॉलेज में उनको इंसल्ट किया थे एक अंग्रेजी साहब ने, अंग्रेज ने, वो इसी तरह उन्होंने भी बदला दिया था। वो पढ़ाई में बहुत ही अव्वल थे, लैम्प पोस्ट के नीचे पढ़ाई करते थे कलकत्ते में आके। और एक घटना जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वो कलकत्ता जाते हुए माइस्टोल देखते ही उन्होंने, माइस्टोल देख के ही उन्होंने अपना 1 2 3 मतलब मैथमेटिक्स का पार्ट ले लिया था। ये कुछ चीज़ें हैं जो उन यूज़ करते थे। उनका वॉलेट भी है राइट साइड में, ये कुछ लैम्प, ये वॉलेट जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी खुद यूज़ करते थे। सॉरी फॉर माय हिंदी, ये हिंदी मेरा अच्छा नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हिंदी में समझाने के लिए। ये बंगाली में है, आपको तो शायद पता ही चलेगा। ये कुछ बायोग्राफी है, मतलब इवेंट्स उनसे जीवन से रिलेटेड सारे वहाँ पे। कुछ बुक्स पुस्तकें जो खुद यूज़ करते थे। निजेर काज करते लज्जा किछु नहीं, मतलब अपना का खुद का काम करने में कोई शर्म नहीं आना चाहिए, वो खुद अपना काम खुद ही करते थे। ये कुछ बुक्स, ये उनका फॉल्स टीथ जो यूज़ किया था, अभी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये कुछ बुक्स उनके द्वारा यूज़ किया गया, सारे प्रिजर्व है यहीं पे। जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं सारे यहाँ पे प्रदर्शित है। सर्टिफिकेट्स, फोटोज, सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे आप खुद कमेंट भी कर सकते हैं, कर सकेंगे, अपना कमेंट देने का प्रोविजन भी है। ये है वो गर्ल्स स्कूल जो विद्यासागर जी के माता जी के नाम पे रखा हुआ है। ये उन्होंने ही ओपन किया था, इसीलिए उसको नारी शिक्षा प्रवर्तक बोलते थे। उन्होंने रियलाइज़ किया था कि नारी को शिक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है समाज के लिए। उनके स्टैचू बगल में, उनकी माताजी का स्टैचू, भगवती देवी, उनके नाम पे ही ये स्कूल रखा गया है। स्कूल का नाम उनके माँ के नाम से ही रखा गया है। और ये है वीर सिंह विद्यासागर मेमोरियल हॉल एंड लाइब्रेरी, जो 1931 में स्थापित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। विकिपीडिया का लिंक जो है अभी देख रहे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।